Assalamu alaikum, Pakwheels. First of all, happy and successful upcoming 2017. और नए साल के साथ जो है, I'm sure almost जो है आप सबने नया पाकवील का फेस भी देख लिया होगा. बहुत सारे लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ को अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन I can assure you के over time this new platform, this new face will grow on you. You will love it. कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि पुराना वाला क्यों हटा दिया. पुराना वाला इसलिए हटा दिया, आई एम नॉट अ डिवेलपर, लेकिन यह है कि जो पाकव्हील के बैक एंड पे लोगों से मेरी बात होती थी तो वो यही बताते थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बोरिंग हो रहा था, उसमें इतने फीचर्स नहीं थे, और दूसरा ये था कि इवन वी बुलेटिन की तरफ से भी उसकी सपोर्ट को इतनी अच्छी नहीं थी, उसमें काफ़ी एरर्स आते थे. तो पाकव्हील पिछले ये जो अभी नया फेस आया है, ये कोई इस तरह कोई दो दिन में बैठ के लोगों ने नहीं किया है, पूरा साल लगा है इसके ऊपर. पीछे बैक एंड पे पूरी डेडिकेटेड टीम ने सारा सारा दिन रात बैठ के इस नया प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया, टेस्ट किया, और उसके बाद जो है फिर कोई एक फाइनल चीज़ डिसाइड की गई, और फिर ये डिस्कोर्स जो नया प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ किया गया. दूसरा यह था, ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी यूज़ किया कि एक तो ये यूज़र फ्रेंडली तो है ही है, आसान भी था कि पुराने वी बुलेटिन से फोरम को इधर मूव करना, मतलब ईच एंड एवरी पोस्ट, इवन जो आपको लाइक भी मिला है ना, जो आपने कोई सिंपल सी एक डॉट की भी पोस्ट की है ना, वो नए प्लेटफॉर्म में जो है ट्रांसफ़र की गई है. ये एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि 13 साल 14 साल से एक पुराना प्लेटफॉर्म से नए पे लाना और सारा डेटा लेकर आना, इट वाज नॉट एन ईजी जॉब. तो फिर ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि जिसके ऊपर ये ट्रांसफ़र ईजी हो, कोई इस पर मसाइल ना हो. अभी मैं आपको बताऊँ कि नॉट अ सिंगल पोस्ट इज़ मिसिंग. अगर आपने 6 साल पहले भी कोई पोस्ट की थी ना, वो भी आपको इसमें ट्रांसफ़र की गई है, इधर नए प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया है. तो इट वाज नॉट एन इजी जॉब, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स. तो ओवर टाइम जैसे मैंने आपको कहा, आपको ये अच्छा लगेगा. मैं काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ लोग जो है ना लॉग इन नहीं हो पा रहे थे, तो कुछ लोगों को नेविगेशन में मसला था. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैंने भी इस तरह एक दो दिन में इसको, मैं जब ये टेस्ट फेज़ में था तो मैंने इसको काफ़ी दिन टेस्ट फेज़ में भी इसको यूज़ किया, तो कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास, जो कि मैं आपको बेसिक जो नेविगेशन के स्टेप्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. बहुत सारे लोगों को मसला है कि मुझे लॉग इन नहीं हो सक रहे. आपको अपनी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है उसको क्लियर करनी है, पासवर्ड जो है जो सेफ पासवर्ड है उसको क्लियर करना है, और आप फिर ट्राई करें, दोबारा आप लॉग इन हो जाएंगे. बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि वो pakwheels.com पे आ रहे हैं और अपने यूज़र नेम पासवर्ड अपने ब्राउज़र में सेव किया हुआ है, तो इस वजह से वो लॉग इन नहीं हो रहे. आप उसको हिस्ट्री को क्लियर करें, दोबारा ट्राई करें, आप लॉग इन हो जाएंगे. दूसरा ये है कि जो पुराना पाकव्हील का ऐप था अगर आपके फ़ोन में, अब वो नहीं चलेगा, वो आप डिलीट करें. प्ले स्टोर के ऊपर जो है नया ऐप आ गया एंड्रॉयड के लिए, आप उस पर जाएँ, वो डाउनलोड करें और लॉग इन कर लें. जो उसका है iOS का, एप्पल डिवाइसेस का है, वो अभी जो है भेज दिया गया है एप्पल को, वो कुछ दिनों में, मेरे ख्याल में 2 दिन में वो भी ऐप स्टोर में वो भी अवेलेबल होगा. तो राइट नाउ जो है आप अपना एंड्रॉयड यूज़र्स तो डायरेक्ट अभी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन iOS वाले जो है वाया मोबाइल ब्राउज़र जो है अपना कर सकते हैं, फोरम को नेविगेट कर सकते हैं. मैं आपको, ये मेरा डेस्कटॉप व्यू है, मैं आपको डेस्कटॉप पे जैसे नज़र आएगा मैं उसको सामने रख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जो आप मोबाइल ऐप है उसमें भी ऑलमोस्ट ऐसे ही व्यू होगा, सिर्फ ये चीज़ें जो जो टैब्स हैं ये वर्टिकल हो गए होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आपको नज़र इसी तरह आएगा, सब चीज़ें वैसे ही हैं. इधर आप देखें ये टॉप पे जो है आपका ये मेरा टेस्ट यूज़र नेम है. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 4 5 6 चीज़ें नज़र आएंगी. ये आपका सेटिंग का टैब है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको आपकी एक्टिविटी नज़र आएगी कि आपके टॉपिक्स क्या हैं, आपने क्या रिप्लाई किया, आपने क्या गिवन्स दिए हैं, आपने क्या बुक मार्क्स किए, और आप अपनी सारी पोस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं. फिर नोटिफिकेशन का टैब है, फिर मैसेजेस का टैब है जहाँ से आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं. ये जैसे मैसेज करेंगे तो आप मैसेज भेज सकते हैं,
यानी प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। ये बैजेस हैं, एक डिस्कोर्स में नया फीचर है, बेसिकली ऑटोमेटिकली ग्रांट करता है लोगों को बैजेस, मतलब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई आपको लाइक देता है, आप कितना टाइम फोरम पे गुजार रहे हैं, कितनी पोस्ट करते हैं, कितने थ्रेड बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है जब आप सर्टन लेवल्स आपको मिलते जाते हैं तो ये आपको बैजेस मिलते रहेंगे। फिर ये समरी है, समरी आपको शो कर रहा है कि बेसिकली शोइंग एवरीथिंग अबाउट यू, कि आपने कितने लाइक मिले, आपने कितने गिवन किए, कितने टॉपिक स्टार्ट किए, कितने पोस्ट रीड किए, कितने मिनट आपने गुजारे, कितने दिन गुजारे। प्रेफरेंस के अंदर जो है ये आप जो है अपनी ये डिफरेंट जो है चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हैं, जैसे म्यूटेड है, अगर आप किसी यूज़र की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं लेना चाहते तो आप इधर वो उसका यूज़र नेम डाल सकते हैं। बाकी ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आप जो है अपने बारे में, अपनी लोकेशन, वेबसाइट वगैरह, ये सेम जैसे आपका पुराना जो है प्रोफाइल पेज होता था, पर्सनल जो पब्लिक प्रोफाइल होता था। फिर इसके साथ ये एक दूसरा, ये यहाँ पे आपको जो है आप देखेंगे जब आपको नोटिफिकेशन है वो यहाँ नजर आएंगे, जो भी नोटिफिकेशन इधर आएगा तो यहाँ 1, 2, 3 जितने नोटिफिकेशन होंगे ना, ये जगह उधर एक नंबर के साथ गिवन होंगे। आप अपने प्रोफाइल में आके नोटिफिकेशन इधर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इधर आपको जो है वो एक नंबर सा नजर आएगा, जो बेसिकली जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो आपकी एक्टिविटी है वो इस टैब के नीचे भी नजर आ रही होगी। आप इसको क्लिक करेंगे, अभी मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं है इस यूजर नेम पे, तो लेकिन ये है कि यहाँ आपको नजर आएगी, ये आपका मैसेजेस का हो गया। तो ये जो है ये दो आपको बेसिकली आपका अपना प्रोफाइल देखने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। आप इधर से भी सॉरी यहाँ से नहीं होगा, यहीं से होगा। अच्छा, फिर आप गए फोरम के अंदर। कुछ लोगों को जब आप फर्स्ट टाइम फोरम में आएंगे तो आपको लेटेस्ट के साथ ये सारा कुछ नजर आ रहा होगा। ये एक टैब है ऊपर, देखें ऊपर लिखा हुआ है ऑल कैटेगरीज, फिर इधर लिखा हुआ है टैग्स, लेटेस्ट, न्यू, टॉप कैटेगरीज। अच्छा, जब आप कैटेगरीज का क्लिक करेंगे, जो कि बेसिकली जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको फोरम वैसे ही नजर आएगा जैसे कि पुराने सिस्टम में नजर आता था। देखें वैसे ही वही लेआउट है, कुछ एक दो सेक्शन को आपस में मर्ज किया गया है, लेकिन अदरवाइज देखें ये वही लेआउट है। यहाँ पे जो है आपको लेटेस्ट नजर आ रहा है, किस चीज के अंदर पोस्ट हुई है या क्या थ्रेड है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। अच्छा, बुकमार्क के अंदर जो थ्रेड आपने बुकमार्क किया होगा वो इसके नीचे जो है विजिबल हो जाएगा। कैटेगरीज जो है मैंने आपको समझा दी। टॉप जो है, टॉप आपको वो बताएगा कि किसके अंदर जो है एक्टिविटी हो रही है। ये देखें आप वीक देख रहे हैं, इस वीक से इस वीक के इस क्वार्टर के अंदर किस थ्रेड के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है। इस पिछले 30 दिसंबर 2015 से 30 दिसंबर 2000 किस थ्रेड के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई। अब देखें मीट माय गॉर्जियस होंडा सिविक में 92.2K की, मतलब इस थ्रेड के अंदर इतनी एक्टिविटी हुई है दिसंबर 30 से लेके 2015 तक। तो ये बेसिकली जो है आपको आप टुडे करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसके अंदर हुई हुई है। फिर ये न्यू को जो आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि टॉपिक्स क्रिएटेड इन द लास्ट फ्यू डेज, तो ये आपको वो व्यू दिखा रहा है। लेटेस्ट जब आप करेंगे तो जो लेटेस्ट हुआ है अभी फोरम के अंदर राइट नाउ, ये आप देखें किसी ने 1 मिनट पहले, 5 मिनट, 27 मिनट, 1 घंटा, ये देखेंगे टाइम बढ़ता जा रहा है। तो जो सबसे नया होगा वो, अगर आप इसको एक्टिविटी को टैप को करेंगे या आप जो है टॉप टू बॉटम ये मतलब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। व्यू करेंगे तो जिसको सबसे ज्यादा व्यूज होंगे वो सबसे ऊपर हो जाएगा। अच्छा, फिर ये है ऑल कैटेगरीज, ये है टैग्स, ये टैग्स हैं फिल्टर्ड हैं, मतलब ऑल कैटेगरीज आपने सेलेक्ट किए, जब आप ऑडियो क्लिक करेंगे तो ये आप जहाँ ऑडियो की डिस्कशन हुई होगी ये वो सारे थ्रेड्स जो है ना आपको लेटेस्ट, इधर आपने लेटेस्ट है ना क्लिक किया हुआ है तो ये आपके जो लेटेस्ट थ्रेड है ना ऑडियो से रिलेटेड वो आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप इसको कर देते हैं एक्सटीरियर तो ये एक्सटीरियर से रिलेटेड जो बेसिकली सब फिल्टर, ये फिल्टर कर रहा है उन वर्ड्स को, उन थ्रेड्स को, वो यहाँ पे लेकर आ रहा है।
पुराने फोरम के अंदर ये सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है इस फोरम में जो आपको भी अच्छी लगेगी, मिसाल के तौर पे आप इधर 500 के थ्रेड के अंदर है, आपने जो है ना सॉरी आप जो है इस थ्रेड के अंदर आपने थ्रेड खत्म करके अब आपने जाना है आप नॉन व्हील सेक्शन में जाना है। पुराने में ये होता था कि आपको जो है पूरा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता था, इधर आसान चीज ये है कि आप मिसाल के तौर पे आप जो है आप फोरम में हैं और जो है आप इस देखें इसके अंदर हैं फोरम कैटेगरीज, आप टोटा के सेक्शन के अंदर हैं। अगर आपने जो है ना आप यहाँ से आप कहते हैं कि जी मुझे जो है नॉन व्हील में जाना है, तो इसको क्लिक करें और आप डायरेक्ट करें नॉन व्हील में चले गए, मीन्स आपको पूरा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप नया थ्रेड किस तरह बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप नया थ्रेड शुरू करें उससे पहले आप सर्च करें, यहाँ ये आप देख रहे हैं सर्च फील्ड है, इसमें सर्च करें कि क्या वो टॉपिक ऑलरेडी पहले से है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो है मल्टीपल टॉपिक विद सेम सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो ऑलवेज ट्राई अच्छे फोरम को ऑर्गेनाइज रखने के लिए इट्स बेटर कि आप जो है ऐसा जब थ्रेड बनाए तो देखें कि वो ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा। खैर एनीवेज आपने नया टॉपिक बनाना है। पुराने फोरम में ये होता था कि जी आप एक सेक्शन के अंदर जाके जो है आपने अगर टोयोटा से लेट्स अज्यूम आपने होंडा से रिलेटेड बनाना है या किसी बाइक से रिलेटेड या अपने किसी टेक्निकल क्वेश्चन से, तो आप उस सेक्शन के अंदर जाके बनाते थे। अब ये है मिसाल के तौर पर आप एक अपने फोरम के मेन पेज के ऊपर हैं, तो आपके पास ये टैब है यहाँ न्यू टॉपिक, आप इसको क्लिक करें, यहाँ आप टाइटल दें, इधर से आप कैटेगरी सेलेक्ट करें कहाँ आपने खोलना है, तो जो पूरी जितनी कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे, जैसे आपने टेक्निकल में करना है टेक्निकल को क्लिक किया, इधर आपने जो है जो भी टाइटल देना है वो दिया, फिर यहाँ जो है आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इधर से आप टेक्स्ट का ऑप्शन है या आप कोई हाइपर लिंक करना है कोई चीज कोट करनी है, ये पिक्चर अपलोड कर सकते हैं आप डिवाइस से अपने या वेब का करके आप यूआरएल डाल सकते हैं, जैसे कि पुराने थ्रेड उसमें था आपके पुराने पाकविल वी बुलेटिन में था, ये डिफरेंट ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं, और इस तरह आप फिर जब आप क्रिएट टॉपिक करेंगे तो वहां हो जाएगा। मेक श्योर कि जो आप राइट सेक्शन में करें, अब बाइक से रिलेटेड है तो अगर बाइक तो फिर बाइक के सेक्शन में जाके आप खोलें, जैसे ये बाइक फोरम में खोलें, इधर आप जब बाइक फोरम सेलेक्ट करें और इधर ये ना हो कि आप टॉपिक शुरू करें बाइक से रिलेटेड और उसको पोस्ट कर दें आप जो है 4x4 में, तो ट्राई करें कि उसके राइट सेक्शन में ही स्टार्ट करें। अब दूसरा जो है जब आप टॉपिक आपने शुरू कर दिया लेट्स गो ओवर के आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ये जैसे स्विफ्ट का है थ्रेड इधर हम आ गए, अब जैसे मैं आपको स्विफ्ट के सेक्शन में लाया हूँ ये एक थ्रेड है, आपने इधर रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई इज वेरी इजी, आपने सिंपल ये करना है कि अगर आपने हर पोस्ट के नीचे देखें रिप्लाई का टैब है, जब आप ये टैब करेंगे तो आप बेसिकली इस पोस्ट को रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यह है कि आप एक जनरल रिप्लाई करना चाहते हैं थ्रेड के अंदर तो आप जो है देखें ये वाला टैब यूज करेंगे, ये वाला टैब उस हर पोस्ट के नीचे रिप्लाई का टैब है, तो वो उस पोस्ट को आप रिप्लाई कर रहे होंगे, इस पोस्ट के नीचे देखें तीन चार ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे एक है आपको पास बुक मार्क करने के, जब आप इसको बुक मार्क को क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको बताया था मेन पेज पे बुक मार्क का टैब ये उसके नीचे लिस्ट हो जाएगा, फिर अगर आपको ये कोई पोस्ट पसंद नहीं आई तो ये आप फ्लैग कर सकते हैं, मीन्स ये ऑफ टॉपिक है और या जो है ये इनअप्रोप्रिएट है स्पैम है, और जो आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी पोस्ट जो कि मॉडरेटर के पास चली जाएगी, फिर ये लाइक का टैब है, उसके अलावा ये जो है ये इस पोस्ट का हाइपर लिंक है, इस मतलब अगर आप ये पोस्ट किसी को भेजना चाहते हैं या कॉपी करके किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको क्लिक करें और ये आपको ये पोस्ट का यूआरएल मिल जाएगा, फिर आप इस यूआरएल को मेल भी कर सकते हैं ट्विटर पे भी पेस्ट कर सकते हैं और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, तो मीन्स के ये इंटीग्रेशन जो है ये इस डिस्कोर्स में एक नया फीचर है कि आप
इसको इसको बेसिकली मूव कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। फिर इसके नीचे जो है एक और ऑप्शन ये है इस थ्रेड के अंदर, आप अगर आपने किसी और को बुलाना है कि ये डिस्कस करो, या और ये थ्रेड बहुत अच्छा है, या इसके बारे में किसी और को बताना है, तो आप बेसिकली इनवाइट को क्लिक करें और इसके अंदर जो है जिस यूज़र को आपने बुलाना है उसका नाम लिख के जैसे इसको और उसको इनवाइट भेज दें तो उसके पास इनबॉक्स में इनवाइट आ जाएगी। तो ये बेसिकली इट्स अ सिंपल जो है प्रोसीजर हाउ यू कैन रिप्लाई और कोट। तो जैसे अब अगर मैं इसको रिप्लाई करता हूँ तो देखें जैसे आप थ्रेड क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ की वो टैब खुल जाएगा, वही ऑप्शंस है, आप इधर रिप्लाई लिखें, साथ कोई पिक्चर डालनी है और रिप्लाई भेज दें। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने सबसे पहले जो है इसको कैटेगरीज में लें या वट एवर यू फील लाइक, लेकिन ये है कि अगर आपको नेविगेशन में मसला हो रहा है तो आप कैटेगरीज के टैब के अंदर रह के आप जो है फोरम को नेविगेट करें। बाकी मैंने आपको टैब समझा दी, ये बुक मार्क है, ये देखिए मैंने उधर स्विफ्ट का वो बुक मार्क किया था तो ये यहाँ पर ये आ गया, ये बुक मार्क आ गया उसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पोस्ट देखे बुक मार्क की हुई थी। तो ये इस तरह आप थ्रेड को भी बुक मार्क कर सकते हैं, किसी पोस्ट को भी बुक मार्क कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन इफ यू वांट टू रीड इट। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन था लोगों का, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि पुराना फोरम पेज वाइज था, देन यू हैव टू क्लिक पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बंदा सारा दिन बस स्क्रोल ही करता रहता था बिटवीन पेजेस। जो नया ये फोरम है इसमें ये है कि देखिए ये स्क्रोल होता लगने को तो बहुत बड़ा स्क्रोल होता हुआ पेज लग रहा है, लेकिन आप ये साइट पे देख रहे हैं ये टैब चेंज हो रहा है, ये पेजेस जो है ये बेसिकली पोस्ट आपको बता रहा है, आप इसको स्क्रोल भी कर सकते हैं, डेट भी चेंज करेगा और फिर उस डेट के अंदर जो पोस्टिंग हुई है उसको वो नंबर भी शो करेगा। ये अभी मैंने पोस्ट की थी 3 घंटे पहले, तो देखें पेज पोस्ट नंबर 44 और 47, तो ये आपको ऊपर से नीचे से ये देखें कितना इजीली नेविगेट हो रहा है। आप 28 दिसंबर पे चले गए, आप 29 दिसंबर पे चले गए, आप जो है दिसंबर 28, दिसंबर 27 पे चले गए। तो ये जो दूसरा फोरम था उसके अंदर ये है कि आपको पेजेस के ऊपर क्लिक करना पड़ता था। दूसरा एक और क्वेश्चन था कि हर पेज के टॉप के ऊपर जो है वो ओपनिंग पोस्ट आ जाती थी, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता था, कुछ को बुरा लगता था, लेकिन ये है कि वो हम गेट अवे विद दैट दिस न्यू आई एम श्योर यू विल लाइक इट ओवर टाइम। आप देख रहे हैं कल जो है लोगों को मसला हो रहा था स्क्रोल होने में, क्योंकि कल इतना बड़ा डेटा 13 साल का डेटा जो है वो मूव हो रहा था। इवन मैं आपको बस बताऊं कि जैसे भी मैंने बताया कि ईच एंड एवरी पोस्ट वॉज ट्रांसफर्ड, तो इट्स टेकिंग लिटल टाइम फॉर टू थिंग्स टू मूव स्मूथली, लेकिन यह है कि आप कुछ दिनों में देखेंगे कि ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपको पसंद आएगा। तो मैंने बस ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता थी लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी पता नहीं थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं इससे छोटी सी एक वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन कर दूँ। आप जो है जो फीडबैक सेक्शन है उसमें जो है और सजेशंस भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो है अपना व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं, ओपिनियन भी दे सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, और जो है अगर मुझे पता होगा तो मैं विजुअली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह करना है, अगर मुझे नहीं पता होगा तो फहाद या कोई और बंदा डेवलपर की टीम की तरफ से आपको एक्सप्लेन कर देगा। एनीवेज आई होप कि आपको नया प्लेटफॉर्म अच्छा लगेगा और विश यू गुड लक इन 2017 एंड आई होप यू हैव अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड सक्सेसफुल 2017। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ आएंगे जब कोई ऐसा कोई न्यू टॉपिक हमारे सामने आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।